ये वीडियो मैं बना रही हूँ पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों के लिए। 28 लाख बच्चे हैं जो नीट की परीक्षा दे रहे हैं और 1 लाख सीट्स हैं। अगर हम चाह रहे हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना, तो उन्हें हमें समझाना होगा सबसे पहले कि बच्चों, हार हमें नहीं माननी है। हमें ऐसे एक्सट्रीम कदम नहीं उठाने हैं जिससे सिर्फ एक रिग्रेट जनरेट हो लाइफ में। इस टाइम आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे बच्चों। एग्ज़ाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर नीट नहीं हुआ तो आपकी लाइफ नहीं बनी, आपका फ्यूचर नहीं बना, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये बात हर पेरेंट को अपने बच्चे को समझानी होगी। ये एक मैसेज है सारे पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि नहीं, फिर उठ, फिर कर तैयारी। ना कि ये बोले कि अरे तूने फिर यही कर दिया, तुझसे नहीं होगा, देख वो लड़का जो है ज्यादा अच्छा कर रहा है, वो लड़की जो है वो ज्यादा अच्छी कर रही है। नहीं, ये जितनी भी चीजें होती है ये बच्चे में एक फीलिंग ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस एंड डिप्रेशन को ड्राइव करता है, जिससे बच्चे एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं और फिर हम ही पेरेंट्स जो हैं सोचते हैं कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। बच्चे बहुत कीमती होते हैं, इन पे आपने अपनी लाइफ इन्वेस्ट की होती है, अपना हार्डवर्क इन्वेस्ट किया होता है। बट कई बार कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशंस भी होती है जब बच्चे घबरा जाते हैं इतनी भीड़ को देखकर और वो उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मैं मानती हूँ ये बात कि अगर इसने पूरे साल नहीं पढ़ा तो गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। बट ये तेरी सीख है कि अगर तू नहीं पढ़ेगा तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आपको समझानी होगी, आपको बताना होगा कि नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जो बच्चा पूरे साल मेहनत कर रहा है, पूरे साल पढ़ रहा है, वही सिलेक्शन का असली हकदार होता है। ये बात बहुत प्यार से बैठ के समझाने वाले, क्योंकि इस टाइम बच्चा बहुत डिमोटिवेट हो चुका है, उसके पास कोई सहारा नहीं है, उसके पास कोई बात करने वाला नहीं है। वहीं अगर उसके दोस्त के ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं तो वो ये सहन भी नहीं कर पाता है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को संभालें। जब हम इन्हें संभालेंगे, इन्हें समझाएंगे कि समटाइम्स फेलियर भी होता है, कई बार विन विन सिचुएशन भी होती है, बट दोनों ही सिचुएशन में हमें अपना धैर्य को लूज नहीं करना है। हमें अपने आगे के स्टेप की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, अपना एक प्लान बनाना चाहिए, एक अपने जो एक्शंस हैं उनको सॉर्टेड रखना चाहिए, जिससे कि वापस से हम इस सिचुएशन में ना आए। तो ये मोटिवेशन टीचर्स से आता है और पेरेंट्स से आता है, क्योंकि ये दो चीज़ें होती है, ये सेल्फलेस होते हैं। टीचर्स और पेरेंट्स वो हैं जो आपकी तरक्की में हमेशा खुश होंगे और हमेशा आपको दिलासा देंगे कि नहीं बच्चों, तुम कर सकते हो, इस साल नहीं तो अगले साल, बट आपने अपने ऑनेस्ट एफर्ट्स लगाने हैं, आपने अपने आप को 100% देना है। तो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स एंड जितने भी गार्जियंस हैं, जितने भी लोग हैं जो बच्चों के आसपास हैं, कि उन्हें ज़रूर ये बात समझाएं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। बस इतना ही एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे खुश होके भी निकले उस एग्ज़ाम सेंटर से, तो बहुत सारे बच्चे दुखी होके भी निकले हैं। बट चाहे खुशी हो या दुखी, हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए। दैट्स इट।